पंजाब सरकार छेती ही सूबे विच विजिलेंस कमिशन स्थापित करन जा रही है। इस संबंधित पेश हुए बिल नू विधानसभा तो मंजूरी भी मिल चुकी है। खास गल ये है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिशन वांग ए बॉडी भी स्वतंत्र होएगी ते इसकी कार्यशैली भी लगभग उजही ही होएगी। ए कमिशन सूबे विच सरकारी अफसर या फिर कई पब्लिक सर्वेंट्स विच फैले भ्रिष्टाचार उत्ते नथ पाउण विच मददगार साबित होएगा। इस नूं अधिकार भी होणगे कि विजिलेंस ब्यूरो उत्ते नज़र रखे ते उन्हां नूं अपना काम तनदेही नाल करन दे निर्देश भी देवे। ए कमिशन राज विच वख-वख विभागां विच लंबित पए मामलियां ते नज़र रखण दा काम भी करेगा। कमिशन दा काम विजिलेंस ब्यूरो वल्लों कीती गई जांच दी स्वतंत्र इंक्वायरी करन दा होएगा। इस दे नाल ही उन्हां नूं जरूरत पैण ते सलाह मशवरा देण दा भी होएगा। ए कमिशन सरकारी अफसरां ते लगे भ्रिष्टाचार रोकू एक्ट अते होर धारावां तहत लगे मामलियां दी जांच भी खुद करेगा या फिर करवाएगा। इत्थे खास गौर करन वाली गल ये है कि इस तरह दा स्टेट विजिलेंस कमिशन बनाउण वाला पंजाब कोई पहला सूबा नहीं है। इस तों पहलां कई होर सूबे भी इस तरह दी एग्जाम्पल्स पेश कर चुके ने। हुण इह गल करदे हां कि आखिर इस कमिशन नूं हुण स्थापित करन दी जरूरत क्यों पई। दरअसल पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी इह चिरा पुरानी डिमांड असी कह सकदे हां ते साल 2006 दौरान जदों उन्हां दा पिछला कार्यकाल सी उदों भी उन्हां ने इस कमिशन नूं स्थापित करन दी कोशिश कीती सी। इस लई एक ड्राफ्ट भी तैयार कीता गया सी। हालांकि 2007 विच अकाली सरकार आई ते इस खरड़े नूं खारिज कर दिता गया। पर हुण क्योंकि सूबे विच कांग्रेस दी सरकार है, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस कमिशन नूं जल्द तों जल्द स्थापित करना चाहुंदे ने ते इस लई हुण विधानसभा विच इस बिल नूं मंजूरी भी दे दित्ती गई है। हुण गल करदे हां कि इस विजिलेंस कमिशन दे मैंबर आखिर कौन होणगे, किन्ने होणगे ते किवें स्थापित होएगा। सूबे दे चीफ विजिलेंस कमिश्नर नूं ही इस कमिशन दा चेयरपर्सन लगाया जाएगा ते इस लई जो प्रभावी उम्मीदवारां दी सूची जारी होएगी उन्हां दी लड़ी दे विच हाईकोर्ट दे मौजूदा या रिटायर्ड जजां नूं इसदी तवज्जो मिलेगी या फिर भारत सरकार दे सैकटरी पद दा कोई रैंक दा अधिकारी होवे उस नूं इस पद लई जो है तवज्जो दित्ती जाएगी। कमिशन दे बाकी दो अधिकारी चुने जाणगे ऑल इंडिया रैंक दे किसी अधिकारियां चो या हो सकता है सिविल सेवावां निभाण वाले व्यक्तियां चो, लेकिन उन्हां नूं विजिलेंस दी भरपूर जानकारी होवे इस गल दा पूरा ध्यान रख्या जाएगा। इस नूं स्थापित करन लई दलीलां दित्तियां जा रहियां ने कि जेकर इह ऑटोनोमस बॉडी स्थापित हुंदी है तां सरकार वल्लों जो विजिलेंस ब्यूरो दे विच भ्रष्टाचार है या फिर केसां दी जांच सुतंत्रता नाल नहीं हुंदी उस ते निगरानी रखना आसान होवेगा। जबकि इस तों इलावा हुण ऑटोनोमस बॉडी होण कारण जिन्ने भी अफसर बैठे ने स्टेट दे उन्हां ते भी नज़र रखी जा सकेगी कि किस तरीके नाल भ्रष्टाचार नूं स्टेट दे विच नथ पाया जा सके। सो बहरहाल हुण समा दसेगा कि किवें इह ऑटोनोमस बॉडी हुण काम करदी है ते इस दे स्थापित होण नाल की असल दे विच सूबे विच भ्रिष्टाचार ते और खासकर पब्लिक सर्वेंट्स दे विच फैली भ्रिष्टाचार ते कोई नकेल कसी जा सकदी है या नहीं, या फिर हो सकदा है कि इह कमिशन चाहे इस नूं एक स्वतंत्र बॉडी दे तौर ते देखा जा रहा है ते कहा जा रहा है कि स्वतंत्र बॉडी होएगी, पर असल दे विच इह कमिशन काम करदा है स्वतंत्रता नाल या फिर होर कमिश्नां वांग इह सिर्फ एक सफेद हाथी बन के ना रह जावे, इस ते नज़र रहेगी।